धान बेचने के बाद अब तक नहीं मिली पेमेंट के लिए आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। सुबह कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान आए किसानों के समूह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के कॉरिडोर परिसर में नारेबाजी कर दी, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में पहले से ही धारा 144 कई सालों से प्रभावशील है। इसके तहत तत्काल पुलिस प्रशासन हरकत में आया और किसानों को समझा बुझा कर शांत कराने की कोशिश की गई। हंगामा होता देख कलेक्टर व अपर कलेक्टर और SDM आदि मौके पर पहुंच गए। जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसकी वजह से उस धान को नहीं उठाया गया और ये लगातार कमीशन वसूली के चक्कर में 2 किलो 3 किलो पैसा नगद इनने किसानों से वसूला और वसूली करने के बाद आज भी धान को अंदर नहीं किया और 3 बार जब पानी गिरा प्राकृतिक आपदा में उस धान का कलर डैमेज हुआ। पानी गिरने से कलर धान का डैमेज हुआ। किसान के घर से जब धान गई थी वो बिल्कुल साफ थी। और मैं इस बात को आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। भारत देश की जब भी प्राइवेट सोसाइटियों मंडियों में व्यापारियों ने माल खरीदा है, हमारे किसान जाकर के अपनी कट्टी को माल तुलाए हैं, तुलाने के बाद व्यापारी की जवाबदारी रही है, कभी भी किसान की जवाबदारी नहीं रही है। लेकिन आज 2 माह हो गए पोर्टल में धान चढ़े, ये भ्रष्ट अधिकारी हम लोगों के किसानों की आज तक पेमेंट नहीं डाले और आज माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि आपकी धान वापस कर दी जाएगी। ये न्याय है जो अधिकारी आपके भ्रष्टाचार में डूबे हैं उनके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की, हम लोगों की धान हमको आप वापस दे रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय है। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सिहोरा में अनशन में बैठने की तैयारी में है, कल से हम लोग अनशन करेंगे, नियम से करेंगे, न्याय प्रिय रूप से करेंगे और हम अपना अधिकार मांगे, हमारा किसानों का पैसा मिल जाए।